इस मॉड्यूल में हम एनिमल डायवर्सिटी वर्टिब्रेट्स फाइलम एकाइनोडम में रेप्रेजेंटेटिव सीक के अंदर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी क्या है। अब रेस्पिरेटरी ट्री दिस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज नॉर्मली इवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्योंकि एनिमल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल दिज एनिमल्स दे हैव टू रेस्पायर टेक इन ऑक्सीजन एंड दे गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो इस रेस्पेरेशन के प्रोसेस के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द रेस्पिरेटरी ट्री अब रेस्पिरेटरी ट्री क्या है दिस इज अ आर ऑफ ट्यूब्स जिनको हम रेस्पिरेटरी ट्री कह देंगे एंड दे आर अटैच टू द अटैच टू द रेक्टम एंड ब्रांच थ्रू आउट द बॉडी ऑफ दी कम्बर फिर इसका जो है रेक्टम इसका पंपिंग एक्शन इसके पंपिंग एक्शन से रेक्टम जो है वो सर्कुलेट करेगा वाटर को इन टू दीज रेस्पिरेटरी ट्यूब अब जब रेक्टम कंट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा इसकी कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से रेक्टम डायलेट भी कर सकता है कंट्रैक्ट भी कर सकता है अब जब रेक्टम डायलेट करता है तो वाटर जो है दिस मूव्स थ्रू द एनल इन टू द रेक्टम जब रिलैक्स करेगा तो इसका रेक्टम जो है वो डायलेट करेगा और जब यह कंट्रेक्ट करेगा रेक्टम इसकी कंट्रेक्शन जो है इसके साथ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है जिसको हम कहेंगे एनल स्पिंग अब एनल्टर जो है दिस विल ओपन एंड विल फोर्स द वॉटर टू एंटर इन टू द रेस्परेटरी ट्री अब वॉटर की वंस इट एंटर्स द रेस्पिरेटरी ट्री इट आल्सो हैज टू लीव द रेस्पिरेटरी ट्री अब जब वेन वाटर एग्जिट द रेस्पिरेटरी ट्री तो इसके अंदर जो ट्री के ट्यूब्यूल्स जो हैं ट्री के अब वो कंट्रैक्ट करेंगे अब रेस्पिरेटरी गैसेस नाइट्रोजीनियस वेस दे नॉर्मली मूव बिटवीन द सिलोम एंड सी वाटर अक्रॉस दीज ट्यूब्यूल्स थ्रू दिस इज द रेस्पेरेटरी ट्री it is present in class holothuridia of phylum echinodermata and sea urchin is the representative here here we can see the major structures of all the system whether it is respiratory system whether it is muscular system and there are digestive system here you can see the structures which we are discussing here these are the respiratory trees अब रेस्पिरेटरी ट्रीज के साथ रिट्रेक्टर मसल्स भी हैं और लॉन्गिट्यूडल मसल्स भी हैं दिस विल डायलेट एज वेल एज वेन इट विल डायलेट इट विल रिलैक्स वाटर विल एंटर एंड वेन इट कंट्रैक्ट तो इसका साइज स्मॉल हो जाएगा वाटर बाहर को चला जाएगा देन दिस वाटर सर्कुलेट्स ड्यूरिंग दिस सर्कुलेशन ऑक्सीजन इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है दिस डिफ्यूज इज इन टू द रेस्पिरेटरी ट्री so when the water moves out the body all the carbon dioxide that diffuses out and the oxygen this enters and this circulating water through this respiratory tree provides oxygen to each and every organ of the body so this is the main important structure of respiratory tree and its function that we discussed in one of the representative of class holothuria c. cucumber